आज जो पेट्रोल में 26 रुपये पर लीटर का इजाफा और डीजल में तकरीबन 22 रुपये पर लीटर का इजाफा जो है ये आवाम की कमर तोड़ देगा। पीडीए की गवर्नमेंट इमरान खान के वादे दावे वो सब धरे के धरे रह गए हैं। और ये जो इमरान खान माफियाज़ के बारे में बात करते थे, मुझे याद है एक दफ़ा मैं इमरान खान के साथ बैठा था तो उन्होंने मुझे कहा मैं आऊँगा तो सारे माफियाज़ ख़त्म कर दूंगा। तो उस वक्त भी मैं बहुत हैरान हुआ था कि ये किस तरह की बातें करते हैं, जैसे कोई मौला जट होता है कोई इंसान और आगे वो कहता है कि मैं सबको मार दूंगा या सबको जो है वो ख़त्म कर दूंगा। तो वो इस तरह की बातें उस वक्त भी किया करते थे। हम सुनते थे, हम नज़रियाती लोग हैं, हम इस तरह से नहीं समझते कि कोई कर सकता है एक आदमी जब तक तो उसके पास कोई टीम ना हो, कोई नज़रिया ना हो। लेकिन अब तो ये सारी चीज़ें अयां हो रही हैं कि इमरान खान सोचे समझे बगैर वज़ीर आज़म बनने के लिए सिर्फ कुछ भी कहने को तैयार थे और ये सबके सामने अब आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर पाकिस्तान में मिडिल क्लास मेहनत कश नौजवान ये इकट्ठे ना हुए और इन्होंने सियासी तौर पे एक कुव्वत का एक मुजाहरा नहीं किया अपना और इन्होंने अपने हकूक के लिए एक सियासी आइनी कानूनी लड़ाई ना लड़ी, जमहूरी लड़ाई ना लड़ी, तो ये मुल्क जो है इमरान खान के हाथों और इस तरह इससे पहले भी जो जागीरदार सरमायादार माफिया जिस मुल्क में मुसल्लत रहे हैं उनके हाथों ये मुल्क जो है ये तबाह हो जाएगा और ये हम होता देख नहीं सकते। तो तमाम लोग मुतहद हों इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की अगली नस्लों के लिए, आपके बच्चों के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए। 99% लोग जो इसमें पिस रहे हैं वो अपने लिए सियासत करें, खुद सियासत में आए, खुद मुनज़्ज़म हों और इस मुल्क की पार्लियामेंट में जाके अपने लिए कानून साजी करें।